IFRS 8 which is operating segment, ये एक disclosure based IAS है और इसमें हम discuss करेंगे कि क्या disclosures provide करने होते हैं. सो सबसे पहले IFRS 8 हमें ये बताता है कि जी operating segment की definition क्या है. An operating segment is a component of an entity. एक operating segment एक entity का एक component हो सकता है. उसके अंदर ये तीन characteristics आपको check करनी है. वो कंपोनेंट जो किसी बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज हो और वहाँ से वो रेवेन्यू अर्न कर सकता हो और एक्सपेंस इनकर्ड कर सकता हो. वो रेवेन्यू जो है वो इंटरनल सेल कर रहा हो या एक्सटर्नल सेल कर रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता. वो रेवेन्यू एक वो सेगमेंट जो है वो स्टार्टअप भी हो सकता है. उसके रिजल्ट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रिव्यूड रेगुलरली बाय द एंटिटीज चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance. This is very important ke uske jo results hain usko regularly entities ka chief operating decision maker monitor kar raha ho allocation purpose ke liye aur performance ke liye. Aur teesri important cheez hai ke uske liye discrete financial information is available. For example, kisi product ke bare mein information separately available ho, kisi जियोग्राफिकल रीजन के बारे में, तो डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल नहीं है तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट में क्लासिफाई नहीं हो सकता. चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कौन हो सकता है? एक चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर फंक्शन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली अ पर्सन. उस फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन इज टू एलोकेट रिसोर्सेज टू एंड असिस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट. इट इज लाइकली टू वेरी फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी. It may be CEO, Chief Operating Officer, the Senior Management Team or Board of Directors. The title or titles of the person identified is not relevant as long as it is the person responsible for making strategic decision about the entity's segment. So for example, वो एक division का head भी हो सकता है. So entity को identify करना पड़ेगा कि Chief Operating Decision Maker कौन है. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस IFRS 8 की है वो ये है कि जो ऑपरेटिंग सेगमेंट का आपको डिस्क्लोजर देना है तो एंटिटी के पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको जिस ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर देना है उसे कहा जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट, जिसको आपने सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है. सो व्हाट इज़ अ रिपोर्टेबल सेगमेंट? अ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर ऑपरेटिंग सेगमेंट. एक सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट भी हो सकता है और एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि दो ऑपरेटिंग सेगमेंट को मिलाकर भी एक सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल पर्पस के लिए क्रिएट किया जा सकता है. इसका एक क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है एंड दिस इज द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड. अगर वो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट होता है तो हम किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बना सकते हैं. अगर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं होता तो जर्नली ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बन सकता. क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के तीन बेसिस हैं. पहला बेसिस है रेवेन्यू के बेसिस पर असेस किया जाएगा, दूसरा बेसिस है प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा बेसिस है एसेट. कोई भी सिंगल अगर बेसिस क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की मीट होती है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बना दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट ए रेवेन्यू की बेस पर क्लासीफाई हो रहा है, तो अब अगर वो PNL और एसेट की बेस पर क्लासीफाई नहीं हो रहा तब भी हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट काउंट करेंगे. इसी तरह अगर एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है बी, वो एसेट बेस को मीट कर रहा है तो उसको भी रिपोर्टेबल काउंट किया जाएगा. तो तीनों का मीट होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी सिंगल मीट होगा तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन सकता है. रेवेन्यू की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सेगमेंट का रिपोर्टेड रेवेन्यू, चाहे वो एक्सटर्नल कस्टमर से हो या इंटर सेगमेंट सेल्स हो और ट्रांसफ़र हो, वो 10% और मोर होना चाहिए कंबाइंड रेवेन्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट. फॉर एग्जांपल हमारा कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट है 1000, तो इसका 10% हम लेंगे तो ये बनता है 100. नाउ दिस इज द थ्रेशोल्ड. अगर हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट का रेवेन्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल 100 या उससे ज़्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेगा, अदरवाइज वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बन सकता. प्रॉफिट एंड लॉस क्राइटेरिया, द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ द ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द कंबाइंड रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डिड नॉट रिपोर्ट अ लॉस
एंड द कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट रिपोर्टेड लॉस. अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, अगर हम इसको आसान बनाना चाहें तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 1200. तो थ्रेशोल्ड बनाना आसान होगा, 10% इज 120. और अगर हमारे तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट लॉस जनरेट कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड बनाना आसान होगा, दैट इज 60. लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऑपरेटिंग सेगमेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं और कुछ ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वो लॉस जनरेट कर रहे होंगे, तो हम माइनस प्लस के साइन को छोड़कर एब्सोल्यूट टर्म्स में आइडेंटिफाई करेंगे वो तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट जो सिर्फ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उनका कंबाइंड प्रॉफिट, एंड वो ऑपरेटिंग सेगमेंट जो सिर्फ लॉस जनरेट कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट टर्म्स में इन दोनों का ग्रेटर ऑफ चूज किया जाएगा और उस ग्रेटर ऑफ का देन हम 10% निकाल कर उसको बेंचमार्क बना लेंगे कि जी ये हमारे पास आंसर है. अब हर सेगमेंट का, वेदर ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो और लॉस जनरेट कर रहा हो, अगर उसका आंसर एब्सोल्यूट टर्म्स में 80 या 80 को क्रॉस करता है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट कंसीडर किया जाएगा, वरना रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा. थर्ड इज एसेट्स. इफ एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट देन इट इज टू बी क्लासिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. अगर 10% रूल फॉलो किया जाता है और उसके बाद कुछ सेगमेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो क्या वो सफिशिएंट सेगमेंट्स हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको 75% रूल भी चेक करना है. इफ़ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 75% ऑफ द एंटिटीज रेवेन्यू, एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ दे डू नॉट मीट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड सेट आउट अबव until at least 75% of the revenue is reported. For example, हमने 5 segment identify किए quantitative threshold की basis के ऊपर और उन्हें reportable segment बनाना है, लेकिन इन 5 का जो revenue है, external revenue, वो total revenue का सिर्फ 60% है. एज अ रिजल्ट दीज सेगमेंट्स आर नॉट इनफ. अब आपको कुछ और सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाने होंगे इवन इफ दे आर नॉट मीटिंग द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, जब तक 75% थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो जाता. तो 75% ऑफ द एंटिटीज रेवेन्यू निकाल लिया जाए. अगर 75% रेवेन्यू बनता है से सपोज 5000, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हमारे आए हैं उनका रेवेन्यू अगर इस 75% को मैच करता है तो फाइन इनफ, अदरवाइज हमें कुछ नए सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और यहाँ मैनेजमेंट अपनी डिस्क्रिशन भी इस्तेमाल कर सकती है. इवन इफ अगर कोई सेगमेंट ऐसा है जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं करता और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन को इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट भी बनाया जा सकता है. एग्रीगेशन की अगर बात की जाए तो 2 or more ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मे बी एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ एग्रीगेशन इज कंसिस्टेंट विद द कोर प्रिंसिपल ऑफ द स्टैंडर्ड एंड द सेगमेंट्स हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर सिमिलर इन वेरियस प्रिस्क्राइब्ड रेस्पेक्ट्स. अब वो वेरियस प्रिस्क्राइब्ड रेस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके लिए 2 or more ऑपरेटिंग सेगमेंट मे बी कंबाइंड एज अ सिंगल वन इफ aggregation provide financial statement user with information that allows them to evaluate the business and the environment in which it operates. They have similar economic characteristics and they are similar in each of the following respect. Wo kya hai? The nature of product and services, unki similar ho. The nature of the production process, the type or class of customer for their product and services, the method used to distribute their product and provide their services, the nature of regulatory environment, for example banking, insurance or public utilities if applicable. For example, अब बात करें पाकिस्तान की और इंडिया की और श्रीलंका की, तो ज़्यादातर इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर चीज़ें सिमिलर होती हैं. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी सिमिलर आती हैं तो इन जियोग्राफिकल रीजन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इनको एग्रीगेट करके रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को नेचर ऑफ प्रोडक्ट वाइज भी रिपोर्ट किया जाता है और ऑपरेटिंग सेगमेंट को एरिया वाइज भी रिपोर्ट किया जा सकता है. अब हम बात करते हैं डिस्क्लोजर्स, क्योंकि ये डिस्क्लोजर बेस्ड आईएएस है तो आपको डिस्क्लोजर्स पता होने चाहिए कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स दिए जा सकते हैं.
डिस्क्लोजर्स में जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द एंटिटी आइडेंटिफाइड इट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट, कैसे आइडेंटिफाई हुआ, किस बेसिस पर आइडेंटिफाई हुआ, एंड द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम विच ईच ऑपरेटिंग सेगमेंट ड्राइव इट्स रेवेन्यू. जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द एग्रीगेशन क्राइटेरिया टू अलाउ टू और मोर सेगमेंट टू बी एग्रीगेटेड, वो भी डिस्क्लोज करना होगा. इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट इंक्लूडिंग certain specified revenue and expenses such as revenue from an external customer and from transaction with other, interest revenue and expenses, depreciation, amortization, income tax expense or income and material non-cash item. इनको separately एक reportable segment में disclose किया जाएगा. A measure of total assets and total liabilities for each reportable segment and the amount of investment in associates, joint venture and the amount of addition to certain non-current assets or capital expenditure. इनका separate disclosures होना चाहिए. इसी तरीके से reconciliation provide की जाती है total of segment revenue, segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and other material item to corresponding item in the entity's financial statement. इसके साथ entity-wide disclosures provide किया जाएगा even when the entity has only one reportable segment, including information about each product and service or group of product and services. इसी तरीके से revenue और non-current assets को geographical area-wise भी analyze किया जाएगा with an expanded requirement to disclose revenue asset by each individual foreign country if material, irrespective of the identification of operating segment. Similarly, information about transaction with major customer. अगर आपके कोई major customers हैं तो उनकी information share की जाएगी. The entity need not disclose the identity of a major customer.